नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। जिले के सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र के सोरंजा पंचायत के चकमका वार्ड नंबर 11 में आसमानी बिजली गिरने से 4 बच्चे समेत 5 लोगों की मृत्यु के बाद परिजनों को आपदा के 4 लाख राशि देने में पदाधिकारी द्वारा पक्षपात करने का आरोप राष्ट्रीय जनता दल के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड अध्यक्ष सैयद हिलाल अशरफ ने लगाया है। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि बीते दिनों सोरंजा पंचायत के चकमका वार्ड नंबर 11 में आसमानी बिजली गिरने से 4 बच्चे सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक यूसुफ सलाद्दीन को खबर मिली। खबर मिलते ही विधायक यूसुफ सलाद्दीन फौरन जिलाधिकारी समेत आलाधिकारी को पत्र के माध्यम से सभी मृतकों को परिजनों को सहायता राशि और यथासंभव सहायता करने की मांग की थी, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद अधिकारी पदाधिकारी क्षेत्र के विधायक यूसुफ सलाद्दीन को अनदेखी कर बिना सूचना दिए प्रोटोकॉल को तोड़कर पक्षपात करते हुए आनन फानन में मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव को बुलाकर आपदा कोष से मृतक के परिजनों के बीच चेक वितरण करवाया गया, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्य होने के बाद पार्टी के पदाधिकारी सहित विधायक में भी काफी आक्रोश है। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर में 28 तारीख को सरंजा पंचायत में चकमका के पास आसमानी बिजली गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसको लेकर के हमारे विधायक सिमरी बख्तियारपुर यूसुफ सलाद्दीन द्वारा DM को मोबाइल से एवं पत्र से लिख कर सूचना दिया कि मृतक के परिजनों को अविलंब मुआवजा दिया जाए, और यहाँ के पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, इन तीनों के मिली भगत से आनन फानन चेक तो दिया गया विधायक के कहने से, और मधेपुरा संसद को बुला करके इन्होंने चेक को वितरण किया। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ किया, और पदाधिकारी जो है ये पक्षपात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मोहम्मदपुर खोजरी पंचायत में मोहम्मदपुर में ये पंचायत भवन का उद्घाटन किया गया, उसमें भी हमारे विधायक को नहीं किया गया। तो यहाँ के पदाधिकारी जो पक्षपात कर रहे हैं, इसको लेकर के हम कड़ा विरोध कर रहे हैं कि आप पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर कीजिएगा तो नहीं चलेगा। RJD को आप इतना कमज़ोर नहीं समझिए, यहाँ का सारा कार्यकर्ता एकजुट है। अगर हमारे विधायक के साथ आपने अनदेखी किया तो हम लोग रोड पर आकर के इसका कड़ा विरोध करेंगे। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द बॉस न्यूज़ के साथ। मैं हूं आकिब जावेद, नमस्कार।